भारत ने चाहा तो ये विमान होगी उसकी ताकत। विमान बनाने वाली कंपनी चाहती है भारत जल्द बोले हाँ। एक बार फिर लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत के साथ F-21 विमानों के व्यापार को स्वरूप देने की कोशिश में जुट गई है। द संडे गार्जियन के साथ वार्ता में कंपनी के उच्च अधिकारी ने यह बात कही है। इस वार्ता में कंपनी ने कहा है कि अगर भारत 100 से ज्यादा F-21 विमानों की खरीद करता है तो ये कंपनी उन विमानों को किसी अन्य देश को नहीं बेचेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि F-21 पर भारत की साझेदारी F-35 के उपयोग के लिए भविष्य की साझेदारी का कारण बनेगी। कंपनी का कहना है कि यह प्रोग्राम कुल 114 मल्टीरोल F-21 फाइटर विमानों की खरीद का है और अगर भारत इस डील को फाइनल करता है तो यह डील भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने और उसकी वायुसेना की ताकत में इजाफा करने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। और साथ ही लॉकहीड मार्टिन के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है। कंपनी के मुताबिक F-21 विमान F-16 विमान से काफी अलग है। F-21 विमान में F-16 विमान से 40% अधिक हथियार लादे जा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम विशेष रूप से भारतीय परिस्थिति के अनुकूल लगाया गया है। साथ ही इसका कॉकपिट ज्यादा आधुनिक है जो कि सूचनाओं का विश्लेषण ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। इसमें लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक है जो कि आने वाले खतरे के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से सूचना देता है। इसमें ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर एडेप्टर लगे हुए हैं जो कि 40% ज्यादा हवा से हवा में मार करने वाले हथियार को लाद सकते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब लॉकहीड मार्टिन ने भारत को F-21 विमान बेचने की कोशिश की हो। लॉकहीड मार्टिन कई महीनों से भारतीय वायुसेना को ये विमान बेचने की कोशिशों में जुटा है। इससे पहले लॉकहीड मार्टिन F-16 ब्लॉक 70 मीडियम मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को बेचने की कोशिश कर चुका है। ऐसे में इसका फैसला भारत को लेना है कि भारत क्या लॉकहीड मार्टिन के F-21 में अपना इंटरेस्ट दिखाता है या नहीं। लेकिन चीन से जिस तरह का तनातनी सीमा पर है उससे एक बात साफ है कि लॉकहीड मार्टिन अपना झुकाव भारत को दिखाकर यह साफ तौर पर बता रहा है कि अगर भारत इस तरह के डील को करता है तो चीन पर आने वाले वक्त में किस तरह की बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।